आपको ट्रेडिंग आती है कि नहीं आती है, आप अच्छे से अर्न कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, वो मैटर नहीं करता है। अभी फिलहाल एक चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, अगर आप वो गलती करेंगे तो आपके साथ भी कुछ भी गलत हो सकता है। मैं आपकी फिक्र करता हूँ, आपके बारे में सोचता हूँ, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक तो देखना ही। अभी रिसेंट में क्या हुआ, एक बिजनेसमैन था जिसको प्रॉफिट में डीलिंग करनी थी, तो उसने ये रियल इस्टेट ब्रोकर होते हैं उनसे यहाँ पर बात की, तो वो रियल इस्टेट के ब्रोकर थे, वो फ्रॉड थे। उनको पता था पहले से ही कि ये आदमी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करता है, इसके पास इतनी क्रिप्टो करेंसी है, तभी उन्होंने उसको टारगेट बनाया। फिर उन लोगों ने क्या किया, वो जो बिजनेसमैन था उसको वो जो प्रॉपर्टी थी वहाँ दिखाने ले गए और वहाँ पर उसको टॉर्चर किया और बंदूक की नोक पर उसको ये जो सारे पासवर्ड थे वो निकला लिए और जितना भी उसकी क्रिप्टो करेंसी थी सारी ट्रांसफ़र करवा ली। और आपको पता है कितना अमाउंट था, 1.3 करोड़, 7 या 8 बिटकॉइन के अराउंड। बहुत बड़ा अमाउंट था, छोटी बात नहीं है। तो आगे क्या हुआ उस पर बात नहीं करते हैं, इस चीज़ से अपन को क्या लेसन मिलता है उस पर बात करते हैं। देखो, आपको कभी भी है ना पब्लिकली सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड सर्कल्स में कभी भी अपने पोर्टफोलियो के बारे में डिस्क्लोज नहीं करना है कि आपके पास कितना पैसा है, आप कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं, कितनी होल्ड करते हैं, ये कभी भी नहीं बताना है। और इवन आपके पास कितने पैसे हैं वो भी नहीं बताने, ये बहुत प्राइवेट चीज़ें होती हैं। आपने कभी मेरे को नोटिस किया है, मैं कभी भी मेरी ट्रेड नहीं बताता हूँ कि मैंने इतने अमाउंट की ट्रेड ले रखी है या मेरे पास इतना पोर्टफोलियो में पैसा है या इतना, ये सब चीज़ें कभी नहीं शो करता। क्योंकि अगर अपन ऐसी चीज़ें करते हैं तो भाई ये सोशल मीडिया का ज़माना है, अपन को टारगेट बनाया जा सकता है। तो आप भूल के भी ये गलती मत करना, कभी भी ये चीज़ मत करना, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे, अभी आप ये सोच रहे हो क्या है, छोटी सी बात है, भाई उस आदमी पर क्या बीती होगी वो आपको पता नहीं है। क्योंकि जब होता है ना ये चीज़ तब जाके समझ में आती है। तो मैं इसीलिए पहले ही अवेयर कर रहा हूँ आपको, केयरफुल होके चलो, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर ऐसी छोटी छोटी हरकतें करेंगे आपको उस टाइम तो पता नहीं होता कि आप क्या करने लग रहे हैं। कुछ कुछ लोग तो क्या करते हैं पब्लिक में भी है ना, चीख चीख के बातें कर रहे होते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, ये है वो है। भाई कभी भी पैसे के रिलेटेड चीज़ें पब्लिक में या डिस्क्लोज नहीं की जाती है, वो प्राइवेट ही रखी जाती है। तो कभी भी आप ये चीज़ गलती मत करना, और भले कितना अच्छा से ट्रेडिंग करो या नहीं करो, वो सारी बातें बाद में आती है। आप कितना ही अर्न कर लोगे ना तो इन सब चीज़ों पे पानी फिर जाएगा। कोई ऐसा आदमी आया जो अपने आपको टारगेट बना ले, सब उड़ा ले जाएगा। और कुछ लोग तो यहाँ पे मार भी सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो ऐसी गलती भूल के भी नहीं करनी है। मैं इस वीडियो से आपको ये लेसन देना चाहता हूँ कि आप अवेयर रहिए, जो उस आदमी के साथ हुआ वो आपके साथ नहीं होना चाहिए। तो बस आपको ये गांठ बांध लेनी है आज ही कि प्राइवेट ही रखना है ये सब चीज़ें, डिस्क्लोज नहीं करना है, कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं करना है, ना सोशल मीडिया पे, ना आपके फ्रेंड सर्कल में, कहीं पर भी नहीं, पब्लिकली वगैरह। और ये जैसे मान लो बुल मार्केट आए, आप अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटी या ग्रेप करके कमाए भी, तो भले कितनी खुशी हो, कभी डिस्क्लोज मत करो। अपनी फैमिली में रखो ना, अपनी फैमिली तक सीमित रखो बस कि हाँ ये है वगैरह, मेरी फैमिली को पता है। सबको बता के क्या मिलेगा, कुछ लोग तो शो ऑफ के चक्कर में ऐसे पड़ रहे थे, उनको हर चीज़ शो ऑफ करनी है। यार शो ऑफ के चक्कर में जान चलेगी तो वो उसका क्या, पैसों के लिए क्या क्या चीज़ें कर देते हैं लोग, वो समझ में नहीं आती आपको। इसलिए बोल रहा हूँ कि अब आपको ये गलती नहीं करनी है। अब आपको मैंने बता ही दिया है क्या होने लग रहा है ज़माने में, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, केयरफुल रहना है, सही तरीके ट्रेड करो, सीक्रेटली सारी चीज़ें करो, किसी को मत बताओ। क्योंकि जब तक किसी को पता ही नहीं चलेगा तो कोई आपको टारगेट नहीं बनाएगा। आप खुद जानबूझ के अगर बार ऐसे चीख चीख के चिल्लाते रहोगे, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहोगे तो लोग टारगेट बना सकते हैं आपको। तो जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इनको हमेशा दिमाग में रखना, और अगर अभी भी कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो में अगर आपको ज़रा सा नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे।